Hello students, today I am present here with a new and interesting activity is Rainbow Chime. Through this activity, we will learn about cutting, pasting and coloring. Students, ये आपसे request है कि ये जो activity हम करेंगे अपने parents की present में ही करेंगे, क्योंकि इसमें हम sharp चीज़ें use कर रहे हैं, scissor use कर रहे हैं और needle use कर रहे हैं. Okay? We need some resource and tool for activity. एज ए आर्ट बुक, कलर्स, पेंसिल, नीडल विद थ्रेड, फ्लैट ब्रश, सीजर, कार्डबोर्ड एंड बेल. ये जो बेल है आपकी ऑलरेडी इस बुक के साथ जो किट आती है उसमें दी हुई है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू राइट हेयर the day, date and HW. पहले हम ये कार्डबोर्ड लेंगे और ये जो U shape जो है इसको हमें इसमें draw करेंगे like this. ये इस तरह से हम U shape में इसको draw करेंगे. कोई भी कार्डबोर्ड लेंगे आपके वहाँ पे घर पे मिल जाएगा वेस्टेज, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे. तो इसमें जो है हम ये जो है सबसे बड़ा जो है सबसे ऊपर है और उसके बाद मीडियम और उसके बाद थिन. तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हम करेंगे. जैसे पहले की हमने चौड़ाई ज़्यादा ली है, फिर सेकेंड की उससे कम ले ली है चौड़ाई और फिर उससे जो है उसकी कम ली है. ये इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो हम उसमें ये कटिंग करेंगे इस तरह से. तो आप मैंने बताया आप जब कटिंग कर रहे हैं तो आप पेरेंट्स की हेल्प से उसको कट करवाएंगे, लेकिन आपकी प्रजेंट में ये ले लिए हैं 1, 2 और ये 3. अब देखेंगे इनके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है ये जो है ये अलग अलग होती जाएंगी. कैसे करना है ये जो है शेप्स जो है ये देखिए इस तरह से जो है इनको हम रखेंगे और उनको पेस्ट करते जाएंगे इस तरह से. अब ये जैसे आगे पीछे हमने किए हैं तो फिर ये हमको यहाँ से इसको कट कर देना है. यहाँ पे इनको रख के इसको मार्क कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से और फिर उसको हम वहाँ पे कटिंग कर देंगे ऐसे. ये इस तरह से कटिंग करेंगे हम. इसके बाद जो हम क्या करेंगे इसके ऊपर या तो आप न्यूज़पेपर पेस्ट करेंगे या फिर आप डायरेक्ट कलर करेंगे. ओके, आपको जो इजी लगे, या फिर आपको देखेंगे आप दूसरी साइड जो है कार्डबोर्ड कलर्ड है तो फिर उसमें आप पेपर पेस्ट कर सकते हो और उसके बाद जो हम इसमें कलरिंग करेंगे. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो है इसमें कलर कर रहा हूँ. अब जो हम रेड कलर लेंगे और उसको फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसको हम कलर करेंगे लाइक दिस. हमने दोनों साइड करना है कलर. अब हम यहाँ पे कलरिंग कर रहे हैं तो आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करेंगे, फॉलो करेंगे कि कैसे इसमें हमें कलरिंग करनी है. इस तरह से हम इसमें कलरिंग कर देंगे. अगर आपका कलर उभर के नहीं आ रहा है तो हम पेपर पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर. इस तरह से मैंने यहाँ पे कलरिंग कर दी है और जो है दूसरी साइड भी हम इसमें यहाँ पे कलरिंग करेंगे ये इस तरह से. अब देखिए जो दूसरी साइड जो ये डिजाइन बना हुआ था ऑलरेडी, तो इसमें क्या है ये कलर उभर के नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर जो है कलर डीप यूज़ कर रहा हूँ.
इस तरह से जो है ये आपके जो डिजाइन था ऑलरेडी वो फिर दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमें इसके ऊपर डीप जो कलर कर देना है। ओके, इस तरह से आप सभी में कलरिंग करेंगे, जो इसमें कलर दिए हुए वही कलर करने हैं। ओके, ये देखिए हमारे जो है ये शेप्स जो है रेडी हो गए हैं कलर के साथ। हमने इसमें कलर कर लिया है रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। इसमें पर्पल जो हम कैसे बनाएंगे, रेड के साथ ब्लू यूज़ करके हम इसको पर्पल बनाएंगे। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप कलर्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हो और उसको ग्लू के साथ पेस्ट कर देंगे दोनों तरफ। ओके, अब जो हम ये जो बेल हैं हम इनको यहाँ पे अलग अलग कलर की बेल ले ली मैंने, और इसके लास्ट पॉइंट पे जो है हमें इनको टाई कर देना है। इस तरह से लिया ये मैंने रेड और इसको बेल को डाल दिया मैंने इसमें। तो इस तरह से फिर हम इसको यहाँ पे टाई कर देंगे। यहाँ से थोड़ा लूज रखना आपको, ये इस तरह से लिया मैंने और इसको टाई कर देना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का से लूज रखना है इसको थ्रेड को, और फिर उसमें जो है ये, और फिर हम उसको सीजर की हेल्प से उसको थ्रेड कट कर देंगे। तो इस तरह से इसको क्या करना है, लूज रखना है इस तरह से। ओके, तो इसी तरह सभी पॉइंट्स पे जो है हमें ये बेल लगाएंगे। इस तरह से मैंने सभी में ये टाई कर लिया है बेल को सभी पार्ट्स में। अब क्या है, अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है थ्रेड का, इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। और जो मैंने टाई किया है ये, तो इसमें क्या है ये लूज रखा है इसको, ताकि इसमें जो है इसकी आवाज़ आए। अगर इससे बिल्कुल जो कार्डबोर्ड से टच कर दिया और अच्छे से टाई कर दिया तो इसमें जो है इनकी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है यहाँ से सीजर की हेल्प से, ये पार्ट जो है ये इस तरह से इनको कट कर देना है। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, आपकी जो किट में बेल के साथ जो थ्रेड दिया था ये वाला, ये मैंने नीडल में डाल लिया है। इसको आप क्या करेंगे, सेंटर से इसका जो है, इसके जो सेंटर से जो है हम यहाँ पे इसको पास करेंगे यहाँ से नीडल की हेल्प से। तो सेंटर का ध्यान रखना आपको, इस तरह से हम इसमें यहाँ से इसको पास करेंगे बिल्कुल ईजी है यहाँ से। ये ध्यान रखें कि ये सेंटर में है या नहीं है। निकालने से पहले जो थ्रेड को अंदर से निकालने से पहले उसको आप चेक कर लीजिए कि ये सेंटर में है या नहीं है। जैसे अभी मैंने चेक किया है, तो आप जैसे तीनों में डालोगे तो इसमें क्या है, पहला डाला और फिर इसमें टाई कर देना है। टाई कैसे, यहाँ पे एक नोट लगा देनी है। यहाँ पे ये जो है थ्रेड ऑलरेडी आपके इसमें किट में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको एक नोट लगा देंगे यहाँ से। ये मैं यहाँ पे नोट लगा रहा हूँ, ये इस तरह से ये जो है नोट लगा देना यहाँ पे, ताकि ये जो नीचे नहीं जाए। इसके बाद जो हम जो हमने मेजरमेंट किया था कि ये सेंटर पार्ट में है या नहीं है, इसको हम देखेंगे इस तरह से सेंटर पार्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी ये सेंटर में है तो फिर हम इसको डाल के फिर इसको हम यहाँ पे नोट लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से इसको। अब देखिए ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने ये जो है नोट यहाँ लगाई है। इतने स्पेस के बाद करना है, तो ये जो नोट है इसको आगे कर देंगे ये इस तरह से।
लाइक दिस। अब ये जो है ये यहाँ पे आ गया आपका, ओके, जो है स्पेस इक्वल हो गया। अब जो ये एक्स्ट्रा रहता है यहाँ पे, एक ये बेल ही लगा रहा हूँ यहाँ पे वेट के लिए, तो इस तरह से हम उसको पास, ये रेनबो जो है आपका रेडी हो गया है। इसको आप इस तरह से हैंग करेंगे। मैंने आपको पहले बताया जितने भी आपके क्राफ्ट वर्क बनते हैं उनको बिल्कुल सेफ रखना है, अपने स्टडी रूम में डेकोरेट करके रखेंगे। ये देखिए आपका जो ये है ये रेडी हो गया है, और इसको इस तरह से हैंग करेंगे। तो जैसे भी हम स्कूल में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं क्राफ्ट की, तो वहाँ पे हम शो कर सकते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल थ्रो नहीं करना है, इसको अच्छे से हम घर में ही डिस्प्ले करेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग जो है जितने भी क्राफ्ट की एक्टिविटी कराई है मैंने, उस क्राफ्ट एक्टिविटी को हम देखने के बाद जो है हम आपके ग्रेडिंग लगाएंगे, ओके। ये नहीं कि हमने यूज़ किया, बना लिया, सर से चेक करा लिया, उसको वेस्टेज कर दिया, नहीं। जैसे स्कूल आपके ओपन होंगे तो हम उस जो है क्राफ्ट वर्क को देखेंगे आपके, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेडिंग लगाएंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।